हाय फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ, मैं डेली जाती हूँ, आज नहीं जा रही हूँ, मतलब मैं डेली ही जा रही हूँ आजकल वॉक पे। तो घर पे रहने से थोड़ा हेल्थ इश्यू हो जा रहा है मुझे, इसीलिए वॉक पे जाना ज़रूरी है, तो मैं जा रही हूँ। तो अभी रास्ते में मुझे मिले हमारी साइड के खटीमा के ही कुछ लेडीज़ मिली, दो लेडीज़ मिली, कुछ क्या दो मिली, और मैं तो बस उनके हाथ में कुत्ते थे इसीलिए मैं उनसे पूछने के लिए रुक गई कि कहाँ से लाए, कितने के लाए, मुझे बहुत पसंद है पैट्स, तो बस वही पूछ रही थी। तो उन्होंने बोला कि फिर वो पूछने लगे आप कहाँ के हो, तो फिर मैंने बताया उनको, तो बोले हम भी वहीं के हैं, तो मैंने भी मतलब जान पहचान हो गई, अपने साइड के खटीमा के ही हैं। तो दिखाती हूँ आप लोगों को भी, मिलाती हूँ और उनके डॉगीज से भी मिलाती हूँ, बहुत प्यारे प्यारे डॉगीज थे। कहाँ से लिया आपने? गोमती नगर से। मतलब दुकान से खरीदा है? हाँ, किसी के यहाँ से। अच्छा, कितने में लिया? पता नहीं, 18,000 का है। अच्छा, क्या नाम है इसका? इसका एलन। एलन, उसका? उसका रॉकी। रॉकी, ये कितने का लिया? रॉकी मैंने बोली। ये कितने में लिया? वो भी अच्छी है। अच्छी है। अच्छा, इतना महंगा है तो लेब्रा है ना? नहीं, अच्छा ये गोल्डन है। हाँ, यही चाहिए था मुझे, तो गोल्डन रिट्रीवर अच्छा लगता है, लेकिन दूसरा कलर चाहिए था मुझे, रेड वाला। क्या नाम बताया इसका? एलन। और उसका रॉकी। रॉकी, रॉकी, एलन। देखो देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ, खेलते रहते। बच्चे ही हुए हो? दिन भर इनके पीछे बच्चे ही तो हुए, कितना मजा आता है, टाइम पास हो जाता है। टाइम पास ले यार, कितना गुस्सा होता है। हाँ, सही बात है। अच्छा 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 बिराव लो तुम्हारे। अच्छा, तो ये हमको मिल गए हैं, हमारी साइड के हैं, खटीमा के, खटीमा के मिल गए हमको, दोनों पहाड़ी है। और आप कहाँ के? बागेश्वर के। बागेश्वर के हैं, गरुड़ के। तो दोनों पहचान के मिल गए, ये तो हमारे गांव के मिल गए बिल्कुल ही। और पहचानने वाले तो कुत्तों की जान पहचान के साथ साथ इंसानों के साथ भी हो गई। जान पहचान इंसानों के साथ भी हो गई। चलो ठीक हो बे। हाँ ठीक है, बाय। ये देखिए ग्राउंड के बाहर भी ये सिविल बच्चे होंगे, ये लोग खेल रहे हैं, और ग्राउंड के अंदर आर्मी वालों के बच्चे खेलते हैं। गाय घूम रही है इधर, देखो ये है पार्क, इसके अंदर जाऊंगी मैं। इधर है बच्चों का पार्क खेलने के लिए, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, और उधर ही आगे पे बड़े बच्चे भी खेल लेते हैं फुटबॉल वगैरह। इसको देखे आप, एक से मारेंगे तो एक जाएगा, देखा? और अभी मैं दो से मारूंगी, ये देखे दो गए, और देखे तीन से मार गए। ये बच्चों के सीखने के लिए बनाया गया है। क्या खेल रहे हो? क्या खेल रहे हो? हाँ, तुमको भी खेलना है? अरे बाप रे, बहुत काम चल रहा है, बहुत बड़ा काम चल रहा है। एक ही बार घुमाया, तब से घूम रहा है ना? बस, बस, बस। क्या है ये? बस ऐसे घुमाने से घूमते हैं बस।
एल्यूमिनियम। अच्छा अलग अलग उसका है, आयरन का। ये है एक्रेलिक, और फोर्स का पता चलता होगा इससे किसका कितना फोर्स। ये लिखा है, प्ले विथ मिरर्स, फन के साथ साथ इसमें नॉलेज का भी दिया हुआ है बच्चों को। आजा करो, चलो करो। हाँ यहाँ पे भी दिख रहा होगा ना, इसमें भी, इसमें तो ठीक दिख रही है, इधर से स्टार्ट नहीं है, उस साइड से। देखो जरा कैसे लग रहे हो तुम लोग। अरे इतनी मोटी हो गई है तो। करो तुम मस्ती करो। हाँ वो गोल वाली तो अच्छी रहती है, पूरे कमर के लिए पेट के लिए होती है वो। वो फुटबॉल का है, यहाँ पे क्रिकेट का है, जो नेट लगा हुआ ना यहाँ पे क्रिकेट। तो फ्रेंड्स अब मैं जा रही हूँ घर वापस, और एक्सरसाइज भी हो गई, उधर ही कुछ लेडीज़ आती हैं तो उनके साथ एक्सरसाइज भी हो जाती है, और अब मैं जा रही हूँ वापस, अंधेरा भी हो गया है। फ्रेंड्स रास्ते में अभी एक एक्सीडेंट हुआ स्कूटी से, और खाली रोड पे बच्चे गिर गए, एक भाई बहन ही थे मेरे ख्याल से दोनों, और भाई चला रहा था काफ़ी स्पीड से और स्कूटी उसकी फिसल गई और गिर गई साइड। अच्छा हुआ कि वो घास में जाके गिरे, चोट भी आई दोनों को, कुछ लोगों ने हेल्प करके उठाया उन लोगों को। तो इतनी फास्ट गाड़ी नहीं चलानी चाहिए बच्चों, बच्चों के हाथ में अगर गाड़ी दे दो ना, सोचते हैं पता नहीं क्या मिल गया हमको, इतनी स्पीड से चला। गाड़ी हमेशा ध्यान से चलानी चाहिए और ओवर स्पीड पर नहीं चलानी चाहिए कभी भी। मैं अपने बेटे को भी बोलते रहती हूँ कि ज़्यादा ओवर स्पीड से गाड़ी मत चला, इतनी स्पीड से चलाओ कि उस पर आपका खुद का कंट्रोल हो उस चीज़ पर, उस गाड़ी पे अपना खुद का कंट्रोल होना चाहिए, इतनी तेज़ी से गाड़ी को चलाना चाहिए बस। क्या फ़ायदा, भी नुकसान तो हो ही गया ना, गाड़ी भी इसमें भी स्क्रैच भी आ गए, शीशा भी टूटा मेरे ख्याल से इसका, और खुद को भी चोट लग गई, अभी घर जाके भी डांट खाएंगे। तो ये चीज़ होती है, थोड़ा सा ध्यान से चलाना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब हमारा क्वार्टर आ गया है, तो हम ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।